हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आज सभी से मैं बात करने वाला हूँ बाइक डिलीवरी राइडर्स के बारे में। हाँ दोस्तों, इसकी जॉब की डिमांड कितनी है दुबई में, और ऑल्सो ये जो भी ये करियर चूज़ करने वाला है उनके फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, ये भी बात करेगा। एक एक करके एक इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही मेरे जो कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, टर्न द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल करके प्रेस करो, जो भी मेरे चैनल से नया वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों चलो बात करते हैं अपना टॉपिक के ऊपर, बाइक डिलीवरी राइडर्स की जॉब्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात में एक जहन आ जाएगा कि बाइक डिलीवरी बॉयज़ का जो भी काम करता है बाइक डिलीवरी में, ये कोई जॉब है क्या, ये कोई थर्ड क्लास जॉब है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ये वेस्ट ऑफ है करके। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, एक्टर होगा, जो कोई भी होगा काम करता है सिर्फ मनी के लिए। हाँ दोस्तों, मनी के लिए काम करता है। बहुत सारे लोग खुशी से काम करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं। ऑलमोस्ट 100 to 200% हम सब मनी के लिए काम करते हैं। आप होगा, मैं होगा, मनी के लिए काम करता हूँ और मेरे को मनी चाहिए। क्यों बोले हो तो अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए आपको अर्न करना बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। ये टॉपिक थोड़ा बाइक डिलीवरी से थोड़ा बाहर था जब मैं बताया था, लेकिन आपको क्लियर होने के लिए बताया था कि बाइक डिलीवरी के बारे में बहुत लोग ये जहन में ख्याल रखे घूमते थे कि बाइक डिलीवरी काम कोई काम है क्या बोल के, इसीलिए ये बारे में बताना पड़ा मेरे को। बाइक डिलीवरी राइडर्स का काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाईवे में जाते हैं, बहुत सारे लोग कि डिलीवरी बॉयज़ में देख के रहते यूट्यूब पे, न्यूज़ पे कि एक बाइक डिलीवरी बॉय एक्सीडेंट में डेड हो चुका है, एक बाइक डिलीवरी बॉय एक्सीडेंट में पैर गंवा चुका, हाथ गंवा चुका बोल के। हाँ दोस्तों, ये बात भी सही है, हर कोई काम में रिस्क है। आप घर में बैठेंगे तो रिस्क है, बाहर काम करेंगे तो रिस्क है, जब आपके नसीब में लिख के रहेगा, जब आपको होना है तो हो के रहेगा, जो काम करो या ना करो वो आउट ऑफ टॉपिक है, वो तो अननेसेसरी है, मैं तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। क्यों बोलेगा तो ऊपर वाले लिख के रहता, जब होना तब हो के रहता, आप जो करो ना करो वो आउट ऑफ मैटर है। और बाइक डिलीवरी के बाइक डिलीवरी जॉब्स के बारे में बात करूंगा तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन जॉब है ये इंडिया में आजकल, खासकर इंडिया में जोमैटो, रैपिडो और बहुत सारे ऐप्स है उसमें भी अर्न कर सकते हैं पर डे ऑफ 600 to 700। मैं भी जोमैटो में काम किया था इंडिया में, हमने ईजिली मैं अर्न करता था पर डे 500 to 600। आप फ्यूल का खर्चा काट दो तो 150 फ्यूल का खर्चा जाके मेरे को 500 और समटाइम्स 550 भी बचता था मेरे को। ठीक था जोमैटो, ठीक ठाक था, ऐसा निकाल के फेंक देने के लिए नहीं था। जोमैटो, रैपिडो, जो कोई भी ऑनलाइन सर्विसेस है, जो कोई भी डिलीवरी सर्विसेस है, बहुत ही बेहतरीन था। आप जितना काम कर सकते हैं, आप जितना भाग दौड़ कर सकते हैं उतना कमा सकते हैं, लेकिन आप दुबई आने के बाद स्पेशली जितना मेहनत आप करते हैं उतनी मेहनत और जितना आप भाग दौड़ करते हैं, इतने भाग दौड़ आप दुबई में किया तो आप अर्न ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आप दुबई में बाइक डिलीवरी राइडर के लिए आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और दुबई से जाके यूरोप में भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। दुबई में जितना कमा रहे उससे दो गुना ज़्यादा आप यूरोप में भी कमा सकते हैं बाइक डिलीवरी जॉब्स पे। मैं यूरोप की बात थोड़ा लाइट से बताएगा आपको, टॉपिक है दुबई के ऊपर। जो कोई भी इंडिया में बाइक राइडिंग जॉब कर रहा है, दुबई आना चाहता है, दुबई में अच्छा खासा करियर बिल्ड करना चाहता है बाइक राइडर के ऊपर, आप इजीली खा पी के इंडियन करेंसी 50 to 60,000 अर्न कर सकते हैं पर मंथ, आपका एक्सपेंडिचर निकाल के। मैं कैसा है क्या है बताएगा। आप इंटरव्यू की बात करें तो इंडिया में बाइक डिलीवरी राइडर्स के लिए इंटरव्यू बहुत चल रहे हैं, वो भी पोस्ट करता रहेगा, आप देखते रहिए। नहीं है आप जो कोई भी विजिट में आ चुके हैं, नहीं विजिट में आके हम जॉब हासिल करना चाहते हैं, विजिट में कितना खर्चा होता है क्या है मैं बताएगा तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाया था इंडिया टू दुबई विजिट वीज़ा कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना एक्सपेंस होता है कि रूम का खर्चा, फूड, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मैंने मिला के वीडियो बना के डाला है आपके लिए कन्वीनियंट के लिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। और आप दुबई आने के बाद आपको लाइसेंस
हाँ दोस्तों, जो कोई भी कंट्री हो, आप इंडिया का लाइसेंस ले लेके दुबई में नहीं चला सकते, दुबई का लाइसेंस ले लेके आप यूरोप में चला सकते हैं, लेकिन सर्टेन पीरियड के लिए, उसके बाद उधर का लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। ऐसा ही तरह तरह के कंट्रीज का है, जो कोई भी आप कंट्री चले जाओ, वो कंट्री का आपको लाइसेंस किसी हाल में पकड़ना ही पकड़ना है, आपको ड्राइव करना है। तो आपको दुबई का लाइसेंस बताया था, दुबई का लाइसेंस आपको इजीली इजीली इधर से इंडिया, इधर के यूएई की करेंसी बताया था, 2,500 to 3,500 पड़ जाता है। इंडियन करेंसी मान के चलो 50,000 to 70,000 आपको खाली लाइसेंस बनाने का खर्चा आ जाता है। वही आपका खर्चा है, वही आपका इन्वेस्टमेंट है आपके करियर डेवलप करने के लिए। क्यों इतना लाइसेंस इतना खर्चा है वो तो इधर पे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं, कैसा ड्राइव करना है, कैसा सिग्नल्स फॉलो करना है, कैसा आपको सेफ जर्नी तय करना है, सब कुछ आपको ड्राइविंग स्कूल में समझाएंगे सिखाएंगे। इसलिए आपको ड्राइविंग स्कूल में भी जाके आपको सीखना पड़ता है। फोर व्हीलर होगा, टू व्हीलर होगा, आप जो है बड़ा ट्रक होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग स्कूल में जाके ही आपको लेसन सीख के ही आपको लाइसेंस मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने इंडिया में बहुत चला लिया, पाकिस्तान में चलाया, नेपाल में चलाया, मेरे को बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, मैं किधर भी लेके जब जब बोल के चल जाता हूँ, ऐसा नहीं है। स्पेशली इंडियंस तो मालूम ही है इंडिया की हालत कैसी है, बोलको बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे राइडर्स हैं, अच्छे खासे ट्रांसपोर्ट, जो भी काम ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करते हो, ऑलमोस्ट 100 to 60 to 70% अपने इंडियंस ही है ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करते हैं, बेहतरीन स्किल्स है और बेहतरीन से चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडिया में चलाया बोल के, हाँ इंडिया का लाइसेंस आप लेके आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत कम आ जाएगा खर्चा इधर पे। हाँ आपको परफेक्ट आना चाहिए ड्राइविंग। हाँ दोस्तों, टू व्हीलर होगा, फोर व्हीलर होगा, आपको परफेक्ट ड्राइविंग आई तो आपको कोई लाइसेंस पे कम सरस हो सकता है, आपको थोड़ा पैसा कम हो सकता है, आपको थोड़े क्लासेस कम हो सकते हैं लाइसेंस हासिल करने के लिए। आप वो एक बार ड्राइविंग स्कूल में चले गए, आपने फाइल ओपन कर लिया, उसके बाद अपना लाइसेंस बनवा लिया, आपको लाइसेंस आ गया है, तो आपको फर्दर प्रोसेस आता है जॉब के लिए। हाँ दोस्तों, जॉब कैसा हासिल करना क्या है बोल के, स्पेशली ये बात कर रहा हूँ विजिट वालों के लिए, जो विजिट में आए हैं, जो विजिट में लाइसेंस बना के इधर काम ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। और जो इंडिया में बैठे हुए हैं, उनको बाइक राइडर की जॉब चाहिए दुबई में, तो मैं वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। जो किधर भी इंटरव्यू चलते हैं राइट नाउ प्रेजेंट, अभी ओपनिंग स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत जल्दी वो वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ कि इंडिया टू दुबई आप बाइक राइडर जॉब के लिए कैसे आ सकते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, किधर है इंटरव्यू, पूरा डिटेल्स समझाएगा मैं आने वाले व्लॉग में। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जो कोई भी दुबई में है, जो कोई जॉब सर्च करना चाहता है, उन लोगों को फॉरवर्ड करो, उन लोगों को शेयर करो कि मदद मिल जाएगा मेरे चैनल से उनको जॉब ढूंढने के लिए, इंडिया में होगा या गल्फ होगा या ना यूरोप होगा, किधर भी होगा, उनको जॉब करना चाहते तो मेरा चैनल भेजो, मैं गाइडेंस देता हूँ। मैं कोई एजेंट नहीं है, मेरा कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम और नीचे कमेंट भी मारते हैं कि आप एजेंट हो, नहीं तो आपके पास कोई कंसल्टेंसी ऑफिस है बोल के। हाँ दोस्तों, आपका प्यार और आपकी इज्जत करता हूँ मैं, जैसे कि आप ऐसे कमेंट्स मारते हैं, आपका प्यार ही तो है, कमेंट्स मारते हैं मेरे ऊपर कि आप एजेंट हो या नहीं, आपके पास कोई कंसल्टेंसी है बोल के। हर वीडियो रखेगा तो जॉब के रिलेटिव तो नीचे कमेंट्स यही आते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो जनरली यही आप मेरे को मैसेज करते हैं। ये आपका प्यार है दोस्तों मेरे ऊपर और मेरे चैनल के ऊपर। और मैं बताएगा, मैं कोई एजेंट नहीं है, मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, क्यों मैं ब्लॉग बना के डालता हूँ जॉब्स के रिलेटिव। मैं बहुत सारे एजेंट को पैसा दे के धोखा खा चुका हूँ, धोखा हो चुका हूँ। आप मेरे सर का नहीं होना बोल के मैं जेन्यून कंटेंट लगा के आपको ब्लॉग बना के डालता हूँ। इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतना धक्के खाने के बाद मेरे को एक्सपीरियंस मिला कि कौसा एजेंट जेन्यून काम करता है, कौसा एजेंट फ्रॉड काम करता है बोल के। ये टॉपिक के ऊपर, फ्रॉड एजेंट है जेन्यून एजेंट के ऊपर, मैं पूरा टॉपिक बना कवर करके एक व्लॉग बना के है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में एंड कार्ड में डाल देगा, आप जाके सुकून से देख सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा फ्रॉड एजेंट और जेन्यून एजेंट का काम कैसा रहता बोल के। और इधर आने के बाद लाइसेंस पकड़ लिया, आप 5 कंपनीज है इधर पे, तलबात है और डिलवरो है और नून है,
कंपनी से इधर पे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कंपनी के लिंक्स डाल देगा, और हो सके तो मैं HR का जो भी नंबर है उनको डाल देगा ना नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप आने के बाद, लाइसेंस पकड़ने के बाद उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, आपको जॉब मिलने की पूरा चांसेस मिलेगा। और थोड़ी कंपनीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा पे करती है, थोड़ी कंपनीज आपको अपना खुद का वीज़ा लगवाना पड़ता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 रुपीज़, आप 1000 दिरहम आप उनको कंपनी को पे करना पड़ता है, उसके बाद 3000 दिरहम से वो आपके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। ये खुद का वीज़ा होगा जो आपको खुद का वीज़ा लगवा सकते हैं, और थोड़ी कंपनीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा दे देती है। वो डिपेंड अपन है, आप जब उनसे बातचीत करेंगे, दरियाफ्त करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि उनका वीज़ा होगा तो फिक्स सैलरी रहेंगे एंड प्लस कमीशन रहेगा, और आपका वीज़ा रहेगा तो सिर्फ कमीशन। हाँ दोस्तों, कमीशन पर डिलीवरी आपको इजीली 13 to 12 दिरम्स मिल जाता है। इजीली आपको 20 to 30 डिलीवरी पर डे हासिल कर सकते हैं, आप डिलीवरी दे सकते हैं। जितना स्पीड है, जितना आपको लोकेशन मालूम रहेगा, उतना आप फटाफट डिलीवरी देते जाएंगे, आपके डिलीवरी ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। जो कोई भी नया बंदा है, जो कोई भी नया ये फील्ड में आया है, तो थोड़ा तकलीफ़ तो रहेगा, क्यों बोलेगा, तो हर किसी को सब भी नहीं आता। थोड़ा जाने के बाद सीख लेते हैं एक 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 करके, उसके बाद आपको ऑर्डर भी बढ़ना चालू हो जाएंगे। ये था वो ओवरऑल जो मैंने बताया टॉपिक है बाइक डिलीवरी राइडर्स के ऊपर। और स्पेशली यूरोप की बात करेंगे तो आप दुबई में आके 2-3 साल आप काम करने के बाद आपके पास UAE का लाइसेंस रहेगा, आपके पास एक्सपीरियंस गेन होने के बाद आप इजीली यूरोप भी जा सकते हैं, यूरोप में भी आप हासिल कर सकते हैं बाइक डिलीवरी राइडर जॉब्स के लिए। इंडियन करेंसी बात करें तो 1 lakh to 1 lakh 50 thousand आप इजीली अर्न कर सकते हैं यूरोप में बाइक डिलीवरी जॉब्स के ऊपर। इसके बारे में फर्दर आप बात करेंगे कि बाइक डिलीवरी राइडर जॉब्स इन यूरोप बोल के, उसके बहुत जल्दी वो ब्लॉग भी मैंने लेके आएगा मेरे चैनल पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, इस भाई को सपोर्ट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ख्याल रखिए अपना भी और मेरे चैनल का भी।